जैन दोस्तों बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के बारे में। तो फाइनली आपके मेडिकल से लेके यहाँ पे नोटिस जारी हो चुका है। सीआरपीएफ द्वारा 31 जुलाई को इस नोटिस को जारी कर दिया गया है और अगस्त में मेडिकल शुरू होने को लेके नोटिस जारी किया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है एकदम ऑफिशियल। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई थी, जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी को बताई थी बिल्कुल एकदम सही और सटीक आप सभी के सामने निकली है। अब इस चीज की जो प्रूफ है आप सभी के सामने हो चुका है। मैंने आप सभी को पहले ही काफी समय पहले वीडियो बना के बता दिया था कि सीआरपीएफ की और उच्च स्तरीय जो बैठक होगी वो 29 जुलाई को करवाई जाएगी। उसके बाद अगर कोई होगा डिसीजन लिया जाएगा और 17 अगस्त के बाद ही आपके जो मेडिकल वगैरह होंगे उन पर डिसीजन लिया जाएगा। यानी 17 अगस्त के बाद ही आपके मेडिकल करवाए जा सकते हैं, उससे पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। कल मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को पूरी चीजें बता दी थी कि भाई मीटिंग में क्या क्या हुआ था। लेकिन कल रात को मुझे इस नोटिस को मतलब नोटिस मुझे मिला और नोटिस भेजा गया और ये छोटी सी जानकारी जो कि आप सभी को एकदम खुश कर देगी, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप इस नोटिस को देख पाएंगे। पूरी जानकारी एकदम 100% रियल और जेन्युइन यहाँ पे होने वाली है। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिना देरी किए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि एसएससी जीडी 2018 से जुड़ी अंत तक की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी जानकारी सही और सटीक आप सभी को मिलती रहे। अब चलिए यहां पर चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आप सभी को दिखा दूं, यहां पर आप देख सकते हैं ईस्ट ब्लॉक, यहां पर डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच की तरफ से न्यू दिल्ली, यहाँ पे देख सकते हैं आप डेटेड 31 जुलाई 2020 को यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे आप इसकी संख्या वगैरह देख सकते हैं और किस किस से भेजा गया है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। आईडीबीपी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एसएसबी आरकेपुरम और बीएसएफ न्यू दिल्ली, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज को ये भेजा गया है, डीआईजी को भेजा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ डीएमई ऑफ एडिशनल कैंडिडेट ऑफ सीटीजीडी एग्जाम 2018। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि दोबारा से एग्जाम को मैं दोबारा से कुछ कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था, उसके फिजिकल भी कराए गए थे, उसके फिजिकल में काफी कैंडिडेट क्वालिफाई भी हो गए थे तो उन्हीं का दोबारा से मेडिकल होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि अगर मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं तो आपका भी री मेडिकल अब जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे जान लेते हैं, आपके बारे में भी मैं यहाँ पे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लेटर को रेफर किया गया और बताया गया कि मेडिकल सीएपीएफ लेटर लेटर संख्या वगैरह यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एडीजीए मेडिकल के लिए यहाँ पे इसे भेजा गया है। लेटर अंडर रेफरेंस इट इज प्रपोज टू कंडक्ट डीएमई ऑफ एडिशनल कैंडिडेट विद इफेक्ट फ्रॉम 24/8/2020 टू 10/9/2020 वर्किंग डेज 30 days पर डे पर वोर्ड एंड मैक्सिमम 3 reserve days capped for as per detail given below। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 24/8 से लेके 10/9 तक आपको इनके मेडिकल करवाने हैं और टोटल यहाँ पे 13 वर्किंग डेज यानी टोटल 13 दिन में यहाँ पे सभी के मेडिकल कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। 30 कैंडिडेट पर डे के हिसाब से यहाँ पे बुलाया गया, उससे ज्यादा कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा। तो अब आपके सामने रीजन आ गया, मैं सभी को बार बार कह रहा था कि कोविड-19 के चलते संख्या बहुत ज्यादा है, इसी वजह से रीमेडिकल के लिए नहीं बुलाया जा रहा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 13 दिन लगेंगे। आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ कितने सेंटर हैं और कितने कैंडिडेट हैं, उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपका मेडिकल अभी ये कंडक्ट क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है और आपका जो मेडिकल होगा वो कब तक कंडक्ट हो जाएगा वो भी मैं आप सभी को इसमें बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 17 अगस्त के बाद मेडिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके फिक्स 1 week बाद यानी 24/8 से मेडिकल होना स्टार्ट हो गए हैं, प्रोसेस में काम आया है, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आबादी यहाँ पे दिया गया है, मेल फीमेल की संख्या दे रखी है, 2 सेंटर यहाँ पे बना रखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेल 79 है और फीमेल है 25, 104 कैंडिडेट है। तो यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर वगैरह है उनका यहाँ पे संख्या दी गई है, तो 2 यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होंगे, यहाँ पे संख्या कम है 32 है, तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की जो संख्या होगी 1 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल सेंटर आपको दिख जाएंगे और टोटल कैंडिडेट की संख्या भी आपको नजर आ रही होगी, साथ में टोटल कैंडिडेट की संख्या दे रखी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 1396 मेल कैंडिडेट हैं, वहीं पे अगर हम बात करें तो
328 फीमेल कैंडिडेट हैं, टोटल मिला के 1724 कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल 13 दिन में कंप्लीट होना है। अब आप समझ सकते हैं कि 13 दिन लगेंगे इनका मेडिकल कंप्लीट करवाने में, और हालांकि कुछ सेंटर पे है जो फटाफट से काम को निपटा लिया जाएगा, लेकिन कुछ सेंटर पे जैसे कि यहाँ 24-8 को स्टार्ट होगा और 31-8 को खत्म होगा, यहाँ पे 1-9 को खत्म होगा, किसी किसी सेंटर पे 2-3 दिन में भी काम खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन में 30 से ज्यादा कैंडिडेट किसी भी सेंटर पे नहीं बुलाए गए हैं। टोटल देख सकते हैं कि मेडिकल ऑफिसर कितने लगाए जाएंगे, टोटल 48 मेडिकल ऑफिसर लगाए जाएंगे, टोटल यहाँ पे 26 सेंटर बनाए गए हैं। 1724 अभ्यर्थियों को मेडिकल कराने में जब 13 दिन लग रहे हैं तो आप लगभग 50,000 की संख्या में हैं जिनका रीमेडिकल होना है। 50,000 में थोड़ी बहुत संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इतने ही कैंडिडेट हैं, तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि कितने दिन जाके लगेंगे। अगर 1700 के 17,000 भी कर ले तो भाई 13 के 10 गुना करके देख लीजिए आप कितने दिन हो जाएंगे, 130 दिन हो जाएंगे, 130 दिन लगेंगे अगर इस हिसाब से मेडिकल करवाते हैं तो, उसके भी 3 गुना यानी 390 दिन में मेडिकल होगा अगर इसी तरीके से ये मेडिकल करवाएंगे कि 30 कैंडिडेट को पर डे बुलाएं, इतने ही बोर्ड बनाए जाएं और इसी हिसाब से अगर मेडिकल करवाया जाए तो 390 दिन का मतलब होता है कि आपके एक साल से भी ऊपर चली जाएगी इसी प्रक्रिया से मेडिकल करवाने में। इसी वजह से मेडिकल पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा और सबकी सहमति नहीं बन पा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को किस तरीके से बुलाया जाए ताकि बिना रिस्क उठाए आसानी से मेडिकल हो सके। लेकिन जब आपस में सहमति नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि इतने अभ्यर्थी हैं, जब तक थाली बैठे हैं तो इससे तो अच्छा है कि एडिशनल वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। आप सभी को बता दूं कल ही इसका जो नोटिस है वो कल ही जारी हुआ है, कल ही इसे बनाया गया है, जैसे ही नोटिस बनाता मुझे तुरंत भेज दिया गया था। बट कल जो मैं अपनी 4 वीडियो कंप्लीट कर चुका था तो आप सभी को नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता और आप इस वीडियो को नहीं देख पाते, इसीलिए मैं इस वीडियो को आज आप सभी को यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ। यानी आज आपकी 1 तारीख हो चुकी है, 1 अगस्त को मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ और मैं रात को इसे लगभग 1 बजे इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुकून देने वाली इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो मेडिकल की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए मैं बार बार आप सभी से एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आपको इधर उधर ताका झांकी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपको ऑडियो वीडियो सुनाई, मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग डिसलाइक करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं सही बात बोल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई उनका फ्यूचर खतरे में आ सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कम से कम 100 चैनल ऐसे हैं जो कि SSCGD मेडिकल को और ज्वाइनिंग को लेके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जानकारी के नाम पे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, उनका जो मन करता है बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है, आप सिर्फ डिमोटिवेट होते हैं और आपको सही जानकारी ना मिलने की वजह से आप मिसगाइड हो रहे हैं। तो देखिए एक ही जगह से पूरी जानकारी लीजिए ताकि आपको सही और एकदम बिल्कुल सही जानकारी आप सभी को मिल पाए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी आप सभी को दी गई है एकदम आप सेटिस्फाई हुए होंगे। आप सभी को बता दूं कि अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप इस जानकारी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप क्लिक करके इस जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप सभी को ये नोटिस मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप देख लीजिएगा, वहां पे आप खुद नोटिस को पूरे को पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है और यहाँ पे बताया गया है कि इन व्यू ऑफ एवो इट इज रिक्वेस्ट दैट द कॉन्क्योर पर्पज आइडेंटिफाइड DBDME वेन्यू सेंटर टू इंटीमेटेड 4/8/2020 पॉजिटिवली फर्दर ऑल्सो इंश्योर द डिटेलमेंट बोर्ड ऑफ ऑफिसर रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड DME सेंटर। तो यहाँ पे बात की गई कि उनकी पूरी डिटेल वगैरह जान ली जाए, दिस मे बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। तो यहाँ पे बोला गया कि इसे मोस्ट अर्जेंट में लिया जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है 31 जुलाई 2020 मनोज तिवारी जो कि DIG हैं रिक्रूटमेंट के, उनके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह पूरी चीज़ें आप सभी को मिल जाएंगी। तो इसे किसे किसे फॉरवर्ड किया जाना उसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है और इसका जो नोटिस नंबर है वो भी यहाँ पे दी गई है। मैं आप सभी को गारंटी के साथ कहता हूँ एकदम ऑफिशियल नोटिस है। अगर किसी और के द्वारा ये नोटिस मुझे मिलता तो शायद मैं इसकी पूरी जाँच करता, सारी चीज़ें दिखाता, लेकिन जहाँ से मुझे पूरी जानकारी मिलती है मैं आप सभी को उसी के द्वारा भेजे गए नोटिस को दिखा रहा हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ कि जब मैं आपको इतनी जानकारी दे सकता हूँ कि 29 तारीख को जो है मीटिंग होगी जो कि कोई नहीं जानता था, मैंने आप सभी को बताया पहले ही 1 महीने पहले, मैंने आपको यह बता दिया कि 17 अगस्त के बाद मेडिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको नहीं दे सकता। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्लीज वीडियो कभी भी ना देखें, लेकिन जिन्हें ट्रस्ट है वो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। मैं बिना इंफॉर्मेशन के और बिना ऑथेंटिक न्यूज के कोई भी वीडियो आप सभी के लिए नहीं बनाता। तो उम्मीद करता हूं जितने बार एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के सभी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ सकें और हर एक इंफॉर्मेशन उन्हें टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।